हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फाई प्रेजेंट्स क्रिप्टो न्यूज़ हैशटैग डू मोर विद टी फाई। आज के क्रिप्टो न्यूज़ में हम बात करेंगे ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। ये ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी एसेट मैनेजर में से एक है और इसके अंदर अभी मोर देन 42 बिलियन डॉलर्स वर्थ के जो डिजिटल एसेट्स हैं वो इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर पड़े हुए हैं। और इस ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट की जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीका है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करने का, क्योंकि ये काफ़ी सारे चैलेंजेस को एलिमिनेट कर देती है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज को बाय करने का, उनको सेल करने का, उनको स्टोर करके रखने का और उनको सिक्योर करके रखने का। अभी जो ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट के जो CEO हैं माइकल सैनन शेन, उन्होंने ये वेडनेसडे को सुबह 9 बजे ट्विटर के ऊपर अनाउंस किया कि वो लोग जो है दो डिजिटल करेंसी जिनका नाम है माना एंड लिंक, उनके जो नए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं वो लॉन्च करने वाली है। इससे पहले भी जो ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट है उन्होंने काफ़ी सारे डिजिटल करेंसीज के जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हैं वो लॉन्च कर रखे हैं, जैसे कि बिटकॉइन, बिटकॉइन कैश, इथीरियम, इथीरियम क्लासिक, लाइट कॉइन, जी कैश एंड XLM। ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट इन दो डिजिटल करेंसीज माना और लिंक के अलावा और भी तीन डिजिटल करेंसीज जिनका नाम है बैट, लाइफ पेयर की LPT और FIL टोकन जो है, इनसे रिलेटेड भी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च करने वाली है। ये जो ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट के जो CEO ने ये अनाउंस किया कि वो लोग जो है माना और लिंक के जो है इन नए इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च करने वाली है, इस अनाउंसमेंट के बाद ही ये जो लिंक और माना टोकन है इनकी वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा जो है रैली कर गई थी और जो लिंक टोकन है उसकी वैल्यू 700% जो है इंक्रीज करके अभी $30 के आसपास चल रही है। वहीं पर जो माना टोकन है जो कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म का टोकन है उसकी वैल्यू 20% इंक्रीज करके अभी $1 के आसपास चल रही है। तो हम देख सकते हैं कि इस अनाउंसमेंट के बाद जो है इन दोनों टोकन्स की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रैली कर गई। और ये जो ग्रे स्केल इन्वेस्टमेंट है एनालिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी जो ये इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है डिजिटल करेंसीज की वो एक काफ़ी अच्छा तरीका है क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट करने का और ये जो है नए टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं इन क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर लेके आती है। तो अभी इस अनाउंसमेंट के बाद कि वो लोग जो है इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लॉन्च कर रहे हैं माना और लिंक के लिए, तो अभी नए इन्वेस्टमेंट जो है इन टोकन्स की तरफ आना स्टार्ट हो जाएंगे और हो सकता है कि अभी फ्यूचर के अंदर इनकी जो वैल्यू है वो और भी ज़्यादा रैली कर जाए। अगर आप लोगों को इंडिया में डिफरेंट एक्सचेंजेस के ऊपर बिटकॉइन का प्राइस कंपेयर करना है तो विजिट कीजिए हमारे प्लेटफॉर्म hodlinfo.com पर, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। और अगर आप लोगों को क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानकारी चाहिए तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट finstree.in पर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे कोर्सेज क्रिप्टो नेक्स्ट एंड क्रिप्टो नाइट को, जिसका लिंक आपको राइट साइड पर मिल जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्रिप्टो न्यूज़। अगर आप लोगों को ये न्यूज़ पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फिनस्ट्रीट। थैंक यू।